पहलवान का डाइट पराठा पनीर दाल। बजरंगपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पहलवान उतरा। उतरते ही उतरते वो अपने डोले सारा गांव को दिखाने लगा। वो गांव में चलने लगा, सारा गांव उसे देखता ही रह गया। वो एक चाय की दुकान पर रुका और चाय मांगने लगा। चाय वाला उसे चाय देते हुए, भाई साहब क्या आप पहलवान है? तब वो पहलवान, क्यों भैया, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? क्या तुम सचमुच मेरे बारे में नहीं जानते? तभी चाय के दुकान पर बैठा एक आदमी, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम कोई दारा सिंह हो क्या, या फिर बजरंगी भाई जान हो? तब वो पहलवान जिस बेंच पर बैठा था उसे उठाते हुए, क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? इस पहलवान पवन के बारे में नहीं जानते? मैंने बहुत सारे कप जीते हैं। ये सुनकर कोई भी गांव वाला नहीं डरा, उल्टा जोर से हंसने लगे। ये देखकर पवन हैरान रह गया। भाई ये क्या, मैं अपने बारे में इतना कुछ बता चुका हूँ, ऊपर से मैंने ये बेंच भी उठा दिया, लेकिन तुम में से कोई डरा नहीं? तब वो चाय वाला, भैया तुम चाहे पवन हो चाहे धवन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बजरंगी के सामने तुम एकदम बेकार हो। तुमने तो सिर्फ ये बेंच उठाया है, हमारा बजरंगी तो कार उठा लेता है। तब पवन, क्या सच कह रहे हो? इस गांव में मुझसे ज्यादा ताकतवर है कोई? भाई मुझे जरा बताओ तो सही, वो है कौन? तब एक औरत, क्या तुम बजरंगी को नहीं जानते? भाई एक वक्त था जब बजरंगी चाचा बहुत मशहूर थे, क्या तुमने कभी बजरंगी टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया? तब पवन, क्या मैंने जो बजरंगी टूर्नामेंट में खेलकर जीता है वो इसी बजरंगी के नाम पर चलता है? पर मैंने तो सुना था कि वो बूढ़े हो चले हैं। तब एक व्यक्ति, भाई उनकी उम्र जरूर बढ़ गई है लेकिन उनकी ताकत बिल्कुल नहीं घटी। तब पवन, तो ठीक है मैं उनको चैलेंज करता हूँ और उनसे जीत कर मैं उनसे ताकतवर हूँ ये साबित करूँगा। तब चाय वाला, अरे भैया जितना तुम बोलते हो उतना आसान नहीं है उनको जीतना। तब पवन, आप जरा मुझे उनका पता तो बताओ, मैं खुद जाकर उन्हें चुनौती देता हूँ। ये उसने बजरंगी का पता पूछा और बजरंगी के घर चला गया। वहाँ एक अधेड़ उम्र वाला आदमी पेड़ों को पानी दे रहा था। उसे देखकर पवन, सुनो चाचा क्या यही बजरंगी का घर है? तब वो व्यक्ति, पर तुम्हें बजरंगी से क्या काम? तब पवन, मैंने 10 बार दंगल जीता है, मेरा नाम पवन है, मैं यहाँ बजरंगी को चुनौती देने के लिए आया हूँ। तब एक युवक, क्या कहा तुमने, तुम हमारे गुरुजी को चुनौती देने आए हो? तब पवन उसे मारता है, वो युवक नीचे गिर जाता है। तब पौधों को पानी देने वाला व्यक्ति वहाँ आया और पवन को रोकते हुए, बेटा बलवानों को कमजोरों पर अपने ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं हूँ बजरंगी, मैं तुम्हारा चुनौती स्वीकार करता हूँ। कल सारे गांव के उपस्थिति में मैं एक ही मिनट के अंदर तुम्हें धूल चटवा दूंगा, तभी तुम्हारा घमंड टूटेगा। तब पवन, तुम मुझे तुम हराओगे? क्या तुम मेरा डाइट जानते हो? सवेरे सवेरे मैं 20 अंडे खा जाता हूँ और एक पूरा मुर्गी मैं खा जाता हूँ और दोपहर को मटन खा जाता हूँ। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब बजरंग, ये सब कल दंगल में देख लेंगे। यूं सब गांव वालों के सामने दंगल शुरू हुआ। बजरंगी पवन के सामने खड़ा था। जैसे ही पवन बजरंगी के सामने आया, बजरंगी ने पवन को उठाकर दूर फेंका। गिरकर पवन फिर उठ नहीं पाया, उसे तारे दिखाई देने लगे। तभी बजरंगी वहां आया और, उठो पवन उठो, कहकर हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया। अपने आप को सुधारने के बाद पवन, गुरुजी आपने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया, 20 अंडे एक मुर्गा और ढेर सारा मटन खाने वाले मुझे ही आपने चित कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप जरूर 40 अंडे 2 मुर्गे और एक पूरा बकरा खाते होंगे। तब बजरंगी, पवन ये सोचना गलत होगा कि ताकत सिर्फ मांसाहार खाने में है, मैं तो केवल घी पराठा पनीर और दाल खाता हूँ, इसी में जितना जरूरत है उतना प्रोटीन मुझे मिल जाता है। तब पवन, गुरुजी अब से मैं भी यही खाया करूँगा। तब बजरंगी, सिर्फ डाइट नहीं ये बात भी याद रखो कि बलवान को कमजोरों पर अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितना झुकोगे उतना ताकतवर बनोगे। ये सुनकर पवन बहुत खुश हुआ।